बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, सुप्रभात जी से, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ये पहले भी हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं क्या ये जानना चाहते हैं और देते हैं इनके सवालों के जवाब। हेलो सुप्रभात जी, बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। नमस्कार सर, अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी नमस्कार जी सर, आपका सवाल आया है, एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। जी धन्यवाद जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। जी मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था कि ये हरदेनु गाय जो नस्ल की जाति गाय आई है जी, अवेलेबल नहीं है, तो इसको कहाँ से ले सकते हैं हम लोग? क्योंकि मैं करनाल के जो एसआरएमपी करनाल है वहाँ पर मैंने मेल भेजा था, बट वहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और एक चीज पूछ रहा था कि हम लोग के वेस्ट बंगाल में ऐसा मतलब सोसाइटी या कोई कॉर्पोरेट ऐसा कोई है जो हम लोग इस चीज में हेल्प कर सके एक छोटा सा प्लांट सेटअप करने के लिए? जी हाँ सुप्रभात जी, देखिए ये जो किस्म है जो आप बता रहे हैं हरदेनु, ये हॉसन फ्रीजन और हरियाणा नस्ल और साहिवाल का क्रॉस है, और ये NDRI करनाल में उपलब्ध भी है। वैसे तो देखिए आपका सवाल था कि आपके क्षेत्र में या आपके आसपास कोई ऐसा हो जिससे आपको मदद मिल सके, तो आपका ईस्टर्न रीजनल स्टेशन एक बना है कल्याणी में, ये NDRI का ही है, NDRI करनाल का। बट वहाँ से मुझे कोई सही जवाब नहीं मिल पाया। तो आप NDRI करनाल आप मेल कीजिए, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर श्रीवास्तवा, AK श्रीवास्तवा, आप उनसे बात कर सकते हैं और वहाँ से आपको पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। बाकी रही एक सवाल और जर्सी का भी था, जर्सी तो हर जगह मिल जाती है, आपके दो प्रश्न थे इसमें जो आए थे, तो जर्सी में तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। आप मेरे इस वेस्ट बंगाल में मैं बहुत जगह ढूंढ रहा हूँ बट मुझे कोई अच्छी नस्ल की मिल नहीं रही है। एक्चुअली जितने भी जा रहा हूँ मैं, जर्सी जितनी भी मिल रही है मेरे को, मतलब एक ही जगह मिली है मेरे को आपको, तो उसमें जो बोल रहे हैं वो मैक्सिमम जो देती है 15 लीटर मैक्सिमम देती है जी, बोलते हैं सेकेंड लैक्टेशन है उसका, उसमें 15 लीटर देती है, उससे ज्यादा नहीं देती है वो, तो इसलिए मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब कहीं अच्छी सी ब्रीड मिल जाए मेरे को, तो मतलब मैं नया स्टार्टअप करने जाता हूँ ना, तो कम से कम मतलब दिन भी रहेगा जी। जी जी देखिए फिर आप कृषि विश्वविद्यालय भी है आपके यहाँ नादिया में, वेस्ट बंगाल में, है? और वहाँ बट वहाँ से इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला सर मेरे को। देखिए आप दोबारा कोशिश करिए, एनिमल साइंस का भी है उसके अंदर इस कॉलेज इसमें विश्वविद्यालय में, तो आप कोशिश करिए। मैंने जो आपको बताया, आप NDRI करनाल जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, आपको उनका, आप देखिए साइट खोलिए यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूट की, तो आपको उनका एड्रेस मिलेगा, फ़ोन नंबर मिलेगा, वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, आप उनसे बात करिए। अच्छा जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए।